हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन शेफ विद रुखसाना। आज मैं बनाने जा रही हूँ मखाने की खीर। इसके लिए मैंने ये 1 लीटर दूध लिया है। इसे इतना पकाया है कि ये मलाईदार हो गया है और तकरीबन 1.25 लीटर हो गया है ये। अब हम ये दूध को साइड में रखते हैं। अब मैं पैन में 1 चम्मच घी लूंगी। मैंने ये 1 बॉल मखाने लिया है। इसे 1 चम्मच घी में अच्छा सा रोस्ट कर लूंगी। एकदम कुरकुरे हो जाए। ये अब एकदम क्रंची हो गए हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह से टूट रहे हैं, ये एकदम क्रंची है। अब इसे मैं हल्का सा क्रश कर लूंगी और कुछ गार्निशिंग के लिए भी रखूंगी। वापस से मैंने ये दूध का रख दिया है। अब इसमें हम ये दरदरा पिसा हुआ मखाना डाल देंगे। इसे अच्छा सा मिक्स करते हैं। आज मैं ये शुगर फ्री खीर बनाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मखाना बहुत ही हेल्दी होता है। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, प्रोटीन्स भी भरपूर होते हैं इसमें। ये डायबिटीज के लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। शुगर कंट्रोल में रहता है और इससे बीपी में भी काफ़ी फायदा होता है। जिसे हाई बीपी है वो लोग ज़रूर मखाने की खीर बनाए। अब इसमें 3 टेबलस्पून खोवा डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। लेकिन डालेंगे तो बहुत ही अच्छी खीर बन के तैयार होगी। अब इसमें डालते हैं ये थोड़ा सैफ्रन। सैफ्रन ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा कलर भी आता है, टेस्ट भी आता है। और ये 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर है। 4 इलायची लिया है मैंने। ये शुगर के साथ पाउडर बना लिया है। अभी हमारी खीर बनके तैयार है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही झटपट बनके तैयार होती है। अभी आप देख सकते हैं सैफ्रन का बहुत अच्छा कलर आया है इसमें। इसमें मैं डालूंगी ये शुगर फ्री गोल्ड। सिर्फ 2 चम्मच डालेंगे हम इसमें। इसके साथ में जो शुगर फ्री में जो चम्मच आता है, सिर्फ वो चम्मच से 2 चम्मच डालें, काफ़ी हो जाएगा इतना। अभी ये खीर बन के तैयार है, आप देख सकते हैं अच्छी गाढ़ी भी हो गई। अभी हम इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। इसे एकदम चिल करके खाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। हम इसे सर्व करके बताएंगे। अभी हम खीर सर्व करते हैं। अभी तो मैं ये गर्म सर्व कर रही हूँ। आप इसे एकदम चिल करके खाएं, काफ़ी टेस्टी लगती है ये खीर। अभी हम इसे मखाने और एक काजू से गार्निश करेंगे। बहुत ही टेस्टी खीर बन के तैयार हुई है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। मेरी ये रेसिपी को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। किचन शेफ विद रुखसाना को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, फिर मिलते हैं
एक नई रेसिपी के साथ। गुड डे, अल्लाह हाफिज़।